गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों असी आज ग्रामर का टॉपिक पंक्चुएशन बारे पढ़ांगे। पंक्चुएशन तो भाव है बच्चों विराम चिन्ह। पंजाबी दे विच तुसी सारे ही जानते होगे विराम चिन्हां बारे, जिमें बिंदी, कोमा, कड़छी, अल्प विराम चिन्ह, इन्हां सब दे बारे पंजाबी च तां तुहानूं पता ही है। अज असी इन्हां विराम चिन्हां नूं इंग्लिश लिखते हुए इन्हां दी वरतों किवें करनी है उस दे बारे जानकारी प्राप्त करांगे। तां पंक्चुएशन दे विच असी पहला विराम चिन्ह है जो फुल स्टॉप बारे पढ़ांगे ते सिखांगे कि इस दी वरतों किवें होनी है। बच्चों फुल स्टॉप तो भाव है बिंदी। असी इंग्लिश दे विच जदों कोई भी सेंटेंस लिखते हाँ तां उस दे एंड दे विच उस सेंटेंस नूं बंद करन लई असी फुल स्टॉप दी वरतों करते हाँ, जिमें ही इज़ अ गुड बॉय, तां असी ये सेंटेंस साडा हुण इत्थे खत्म हो गया, तां असी इहदे एंड दे विच गई लगाने हाँ फुल स्टॉप भाव बिंदी के सेंटेंस खत्म हो गया। तां बच्चो असी कुछ शॉर्ट फॉर्म दे विच भी फुल स्टॉप दी वरतों करते हाँ, एब्रीवेशनस भाव शॉर्ट फॉर्म, जिमें कि असी हुण क्वालिफिकेशन लिखनी है BA, MA, BEd, तां उन्दे विच भी असी फुल स्टॉप लगाने हाँ। जिमें असी हुण BA लिखना है तां सब तो पहला असी BA नूं लिखण लई असी कैपिटल लैटर दे विच उस नूं लिखांगे BA फुल स्टॉप A, BA, MA, MA, M फुल स्टॉप A, MA। तां बच्चो इस तरह असी फुल स्टॉप दी वरतों करदे हाँ। नैक्सट बच्चों पंक्चुएशन मार्क है कोमा। कोमा बच्चों वरत्यो जांदा है जिथे हल्का जिहा विराम भाव ठहराव आवे। अलग अलग शब्दां दे विच लिखण लग्गिआं असी कोमास दी वरतों करदे हाँ, क्योंकि उन्हां शब्दां दे विच थोड़ा थोड़ा ठहराव आंदा है तां असी कोमा दी वरतों करदे हाँ। शी हैज़ पेन्स कोमा पेंसिल्स कोमा बुक्स एंड नोटबुक्स। इंदे विच देखो कि बच्चों बच्चों पेन पेंसिल्स बुक्स दे विच थोड़ा थोड़ा ठहराव आया है तो असी इंदे विच की लगाया है कोमा। एंड न्यूज़ नोटबुक्स, तो एक गल इंदे च याद रखनी है कि एंड तो पहला असी कोमा दी वरतों नहीं करनी। एंड तो पहला असी कोमा दी वरतों नहीं करनी, जे असी एंड लगा लिया है तो फिर असी कोमा नहीं वरतना। इस तरह ही बच्चों अगला ही पंक्चुएशन मार्क क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जिन्हों पंजाबी कई बारी कड़छी भी कह देंदे है, ये है क्वेश्चन मार्क प्रश्न चिन्ह। तो बच्चों इनकी वरतों होनी है जिथे क्वेश्चन पूछा गया होवे, कुछ पूछा गया होवे, जिमें कि वट इज़ यूअर नेम, तुहाडा नाम की है, हाउ ओल्ड इज़ यू, तुहाडी उम्र किन्नी है, हाउ मैनी ब्रदरस एंड सिस्टर हैव यू, तुहाडे किन्ने भैन भरा हन, इन विच क्लास डू यू रीड, तुसी केड़ी क्लास च पढ़ते हो। तो बच्चो ये सारे ही की है क्वेश्चन, जिंदे विच प्रश्न पूछा गया होवे, कुछ पूछा गया होवे, तो उन्दे विच असी लगाने हैं एंड दे विच क्वेश्चन मार्क, जिन्हों असी प्रश्न चिन्ह कहते हैं। अगला बच्चों मार्क है एक्सक्लामेशन मार्क, जिन्हों असी विस्मिक चिन्ह कहते हैं, डंडी तो दे नीचे बिंदी, ये बच्चों पंजाबी असी विस्मिक चिन्ह कहने हाँ, तो इंग्लिश असी इनू कहने एक्सक्लामेशन मार्क जा एक्सक्लामेटरी चिन्ह। इनकी वरतों बच्चों जदों स्ट्रोंग फीलिंग जा सडन एक्सप्रैशन होवे खुशी गमी जा प्यार दा, ता असी उदों विस्मिक चिन्ह की वरतों करते हाँ। कोई भी सुंदर चीज़ वेख के असी कहने वट ए लवली फ्लार, वट ए ब्यूटीफुल सीन, तो इन वाकों के असी एंड च लगाने एक्सक्लामेशन मार्क, जा अलास हुरे खुशी ज गमी वाले वाकों के भी असी लगाने एक्सक्लामेशन मार्क। नैक्सट बच्चों अपोस्ट्रोफ। अपोस्ट्रोफ है कि जदों असी दो जा तीन शब्दों नूं शॉर्ट दे विच लिखना होवे तां असी अपोस्ट्रोफ दी वरतों करदे हां, जिमें कि असी हुण इत्थे डू नोट नूं
असी शोर दे विच डोंट अपोस्ट्रोफ लगा के डोंट आई एम नू आई एम नू आई एम अपोस्ट्रोफ लगा के एम तो असी इस नू इस तरह भी लिख लैने आ जा राम दा घर इस दे विच जिस दे बारे किसी बारे कोई गल कही गई होवे जिस दे बारे तुहाडा मेरा उसदा उस चीज़ बारे मैनशन किया गया होवे तां असी उदों भी अपोस्ट्रोफ लगाने आ जिमें हाउस ऑफ राम नू असी अपोस्ट्रोफ लगा के लिखना होवे तां असी लिखांगे राम्स हाउस पर जे असी बॉयज़ होस्टल लिखना है तां असी बॉयज़ तो बाद एस अपोस्ट्रोफ एस नहीं लगावांगे क्योंकि वह पहला ही प्लूरल वर्ड आ गया बॉयज़ होस्टल तां असी इत्थे अपोस्ट्रोफ एस नहीं लगावांगे असी इस नू इस तरह ही लिखांगे बॉयज़ होस्टल जदों किसी वर्ड के पिछे एस आ जाए तो फिर असी अपोस्ट्रोफ नहीं लगांदे। नैक्सट पंक्चुएशन मार्क है कोटेशन मार्क इन्दे तो भाव है कि जदों कोई भी गल जिस दे द्वारा कही गई गल नू हूब हू उस ही तरह इनवर्टड कोमास दे विच लिख लेना द टीचर सैड कोमा कोमा स्टार्ट स्टॉप राइटिंग फुल स्टॉप कोमास क्लोज्ड के टीचर ने जिहड़ी गल कही है उसनू हूब हू उवें ही कोमास दे विच लिख लेना। कोटेशन मार्क नू बच्चो असी इनवर्टड कोमास भी कहने हाँ जिवें माई फ्रेंड सैड कोमा कोमा स्टार्ट आई कांट हैल्प यू फुल स्टॉप कोमास क्लोज्ड तो मेरे मित्र ने केड़ी गल कही है उस गल नू उवें ही कोमास दे विच लिखना। बच्चों ए कोमे डबल भी हो सकते ने इनवर्टड कोमास डबल भी हो सकते ने सिंगल भी हो सकते ने। नैक्सट है बच्चों कैपिटल लैटर्स पंक्चुएशन मार्क असी इसनों पंक्चुएशन मार्क तो नहीं कहेंगे पर असी कैपिटल लैटर्स नू यूज़ करन लगे असी तीन चार गल्लां दा ध्यान रखांगे कि कोई भी सेंटेंस लिखते हुए असी जो लैट वर्ड का जो फस्ट लैटर है असी उसनों कैपिटल दे विच लिखते हाँ। देखो जिवें हुण माई फ्रेंड सैट तो फस्ट बच्चों वर्ड है माई माई दे विच असी फस्ट लैटर एम असी कैपिटल दे विच लिखांगे। सैकेंड पॉइंट बच्चों आ है द टीचर सैड है इनवर्टिंग वर्ब और स्टॉप राइटिंग है इनवर्टिड स्पीच तो बच्चों असी इनवर्टड स्पीच दे विच जो फस्ट वर्ड का फस्ट लैटर है असी उसनों भी कैपिटल दे विच लिखांगे स्टॉप नूं लिखन लई असी एस कैपिटल दे विच लिखांगे। थर्ड है बच्चों कि जे इनवर्टिंग इनवर्टड स्पीच दे विच पहला वर्ड आई आ जावे तो आई नूं असी हमेशा ही कैपिटल लैटर दे विच लिखांगे असी इसनों समोल लैटर दे विच नहीं लिखांगे। चौथी गल बच्चों याद रखने वाली ये है कि असी प्रोपर नाउन कोई भी जे खास नाउन आया है तो असी उसका पहला वर्ड कैपिटल दे विच लिखांगे जिमें कि पंजाब गंगा हिमालया तो असी इन्हां वर्ड्स का फस्ट जो लैटर है असी उसनों कैपिटल दे विच लिखांगे। तो बच्चों ये पंक्चुएशन के कुछ पंक्चुएशन मार्क्स ने जिन्हां नूं तुसीं कापी दे उपर लिखोगे ते याद भी रखोगे।